अगर किसी स्पोर्ट ड्रामा मूवी के अंदर आपको स्पोर्ट ड्रामा ही ना देखने को मिले बाकी सारी चीजें मिले तो फिर उस फिल्म का क्या होगा, आप सोच ही सकते हो। मतलब एक्टर ने चाहे जितना ही बेहतरीन काम क्यों ना किया हो, लेकिन अगर उस मूवी का नरेशन ही सही नहीं है, राइटिंग ही उसकी सही नहीं है, तो फिर वो मूवी कितनी देर तक चलने वाली है ये आप सोच ही सकते हो। आज हम रिव्यू करने वाले तूफान मूवी की, जो कि 10:30 बजे कल रात में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, स्टारिंग फरहान अख्तर, परेश रावल सर, मृणाल ठाकुर, विजय राज सर, मतलब इतनी तगड़ी वाली कास्ट और इन सबका काम मतलब एक लेवल ऊपर। मतलब फरहान अख्तर की जितनी भी मैंने मूवीज देखी हैं, भाग मिल्खा भाग वगैरह, हाँ उसमें परफॉर्मेंस तो एक नंबर की थी, पर ये मूवी भी मतलब जितना जैसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उनका दिखाया गया फरहान अख्तर का, वो देख के लगता है कि हाँ इन्होंने इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती हैं एक नरेशन अच्छा ना होने की वजह से। अगर आप इस फिल्म का ट्रेलर देख के आए हो तो फिर आपको लगभग इसकी स्टोरी पता ही होगी कि मतलब अज्जू भाई नाम का एक गुंडा रहता है जिसको अब बॉक्सिंग करनी है, बॉक्सिंग कराया, फिर आगे मृणाल ठाकुर की एंट्री वगैरह, मतलब छोटी मोटी चीजें ये सब ट्रेलर में दिखाई दी गई थी। 3 मिनट का ट्रेलर था, लगभग चीजें दिखाई गई थी। बात करते हैं कुछ मूवी के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मैंने सबसे पहले ही बोला, कास्ट की परफॉर्मेंस। मतलब फरहान अख्तर, परेश रावल सर, इन सब लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया है ना उसमें। और वो जो फरहान अख्तर का एक फ्रेंड रहता है उसका काम भी बहुत अच्छा लगा। मतलब कास्ट की परफॉर्मेंस में आप उंगली बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हो, लेकिन सिर्फ इसी वजह से क्या ये मूवी पूरा एकदम आप को देखनी चाहिए, नहीं, क्योंकि इस मूवी का लेंथ 2 घंटे 40 मिनट का है, जो कि सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है इस मूवी के लिए। देखो मूवी की स्टोरी आपको पता ही है कि हाँ अज्जू भाई हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर वो बॉक्सिंग छोड़ देते हैं, 5 साल के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों सस्पेंड हो जाते हैं मूवी देख के ही आपको पता चलेगा। उतना बड़ा स्पॉइलर नहीं है, पर मैं स्पॉइल करना नहीं चाहता एक्चुअली में कहानी को। मतलब 5 साल बाद फिर आते हैं, फाइट वाइट निकला, मतलब कहानी कहीं सुनी सुनी सी लगती है, जैसे कि सुल्तान मूवी में हमें देखने को मिला था। और एक सबसे बड़ी बात यह कि ये मूवी अगर आप देखने गए हो कि ये एक स्पोर्ट ड्रामा है जिसमें हमको ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा, तो जब आप इस मूवी को धीरे धीरे इसमें चल देखते जाओगे, इसको एंजॉय करते जाओगे, तब आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि ये उस टाइप की मूवी नहीं है। ये वो मूवी नहीं है जो सिर्फ स्पोर्ट ड्रामा पे बेस्ड है, किसी एक बंदे को डेडिकेट कर रही है। ये मूवी कुछ अलग ही वे में जा रही है। मतलब इस मूवी में स्पोर्ट ड्रामा से ज़्यादा लव स्टोरी पे फोकस किया गया, पूरी मूवी इसी इर्द गिर्द घूमती रहती है। मूवी में फालतू के इमोशंस डाले गए हैं जो कि मतलब काम नहीं करते हैं, सही पूछा जाए तो। मतलब अपने यहाँ के जो मेकर्स हैं, मैं हमेशा बॉलीवुड की कभी मैं बुराई वैसे तो नहीं करता, पर कुछ चीज़ों में बोलना पड़ता है। जैसे अपने बॉलीवुड का एक फंडा है, अपने यहाँ पे लोग पता क्या करते हैं, इन लोगों को लगता है कि बस अगर किसी मूवी में इमोशनल चीज़ों को जोड़ना है तो फिर 2 मुद्दे इनके पास होते हैं, या तो इंडिया पाकिस्तान करा दो या तो हिंदू मुस्लिम करवा दो, बस बात खत्म। ये मूवी भी इसी इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया था, मतलब जिस तरह से अज्जू भाई वो जो मतलब एकदम बॉक्सिंग वाला वो जो स्टैटिक्स जितनी भी टेक्निक्स सिखाते हैं परेश रावल सर, वो कमाल की थी। फर्स्ट हाफ में ही आपको ढेर सारे इसमें बॉक्सिंग के मैचेस देखने को मिलेंगे, सेकंड हाफ में सिर्फ 2 मैचेस हैं, मतलब आप समझ सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि किसी स्पोर्ट ड्रामा मूवी के अंदर स्पोर्ट ड्रामा ही गायब हो तो फिर उस फिल्म का क्या होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कहानी बिल्कुल सुनी सुनाई सी लगती है, मतलब कहानी में कोई नयापन था नहीं। म्यूजिक इतना ज़्यादा मतलब देखो गाने, तूफान नाम का जो टाइटल ट्रैक है वो भी थोड़ा ठीक ठाक है, पर जो स्टार्टिंग में गाना बज रहा था जब वो अज्जू भाई ट्रेनिंग कर रहे थे, वो गाना मुझे तूफान गाने से कहीं ज़्यादा बढ़िया लगा। और फिल्म में 2-4 ऐसे गाने थे जिनको ना डालते तब भी फिल्म अच्छी होती और थोड़ा सा छोटी हो सकती थी। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको देखनी चाहिए या नहीं। आपको अगर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखनी है कि मतलब हाँ सबने बढ़िया काम किया, फरहान अख्तर का गजब का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो। पर अगर आप ऐसा इसके साथ एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ऐसा मिलेगा, एक मज़ा आएगा जैसे भाग मिल्खा भाग में आया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूवी ना लव स्टोरी को बयां कर पाती है ना ही स्पोर्ट ड्रामा को, मतलब दोनों के बीच में फंस के रह जाती है। फर्स्ट हाफ में केवल स्पोर्ट ड्रामा पे फोकस होता है इसलिए इतना इंगेजिंग था, पर सेकंड हाफ में वही हिंदू मुस्लिम की कहानी वही वगैरह, बोलना मुझे कुछ नहीं। पर हाँ एक बात जरूर है कि इस मूवी को लेके कॉन्ट्रोवर्सी तो पक्का है ट्विटर पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो करेंगे। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप बताइए, और मेरी बातों से कितना सहमत हो वो भी बताइए। सकल कला वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑब्वियसली जाना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय।